सरकार की इच्छा के साथ हुआ है सरकार है ना वो सरकार के पार्ट हैं ही इज नॉट हिमसेल्फ अ गवर्नमेंट तो सरकार बेहतर से बेहतर काम करने के लिए कोशिश करती है उसके वो पार्ट हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन में उन्होंने अपना एक योगदान दिया के पाठक ने छुट्टियों के ताल्लुक से जो बात कही है वो आ, उसका कोई मतलब नहीं बनता के पाठक सीमा के पार जा रहे हैं के पाठक को जो काम मिला हुआ है उसको अच्छे से कर रहे हैं कुछ कुछ वो बियॉन्ड जाते हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है देख रहे हैं न्यूज़ फोर्डेशन में हूँ आपके साथ न्यूनतम शिक्षा विभाग इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है के के पाठक एक नया फरमान जारी करते हैं कि जो भी शिक्षक हैं वो संघ नहीं बना सकते हैं सोशल मीडिया पर नहीं लिख सकते हैं हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद के के पाठक एक नया फरमान जारी किए हैं कि आप संघ नहीं बना सकते हैं सोशल मीडिया पर नहीं लिख सकते हैं कैसे देखते हैं देखिए अगर के के पाठक जी के बारे में टोटैलिटी में बात करनी है तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे कदम उठाए उसका फ़ायदा बिहार में बच्चों को स्कूल की स्कूल को सुधार में काफ़ी हुआ है तो ये अच्छे काम हैं सही समय पर लेकिन ये सारे काम सरकार की इच्छा के साथ हुआ है सरकार है ना वो सरकार के पार्ट हैं ही इज़ नॉट हिमसेल्फ अ गवर्नमेंट तो सरकार बेहतर से बेहतर काम करने के लिए कोशिश करती है उसके वो पार्ट हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन में उन्होंने अपना एक योगदान दिया है और उसी सीमा तक उनको रहना चाहिए किसी भी ब्यूरोट को उसी सीमा तक रहना चाहिए कि सरकार क्या चाहती है और सरकार नियम संवत क्या काम करती है उस सीमा से अगर आप ब्यूट जाते हैं तो आप पर सवाल तो उठेगा ही आप किस गवर्नेंस के अंदर उस पर सवाल उठता है तो मिस्टर केके के के पाठक ने छुट्टियों के ताल्लुक़ से जो बात कही है वो उसका कोई मतलब नहीं बनता है केके पाठक सीमा के पार जा रहे हैं केके पाठक को जो काम मिला हुआ है उसको अच्छे से कर रहे हैं कुछ कुछ वो बियड जाते हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है जाने की कोई जरूरत नहीं है भाजपा तो करेगी कि सरकार हिंदू विरोधी है इसलिए कभी छुट्टियों में कटौती कर देती है कभी शिक्षक के फरमान जारी करते हैं भारतीय जनता पार्टी का क्या सवाल का जवाब देना भारतीय जनता पार्टी पूरे ऑल इंडिया में हर राज्यों में जहां उनके भी उनका भी शासन है जो छुट्टियां बिहार में हैं उस उन्हीं छुट्टियों को उन जगहों पर भी लागू करवाएं हमारी आस्था तो हर जगह है ना लेकिन हम लोग क्या करके बिहार पर्टिकुलर में बिहार राज्य पर्टिकुलर में जो हमारी छुट्टियां थी वो उसी तरह रहें यह रहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी डबल स्टैंडर्ड की पार्टी है यहाँ कुछ बोलेगी दिल्ली कुछ बोलेगी किसी दूसरे राज्य में कुछ और बोलेगी मध्य प्रदेश में कुछ और बोलेगी तो इन छुट्टियों को लेकर के भी हर प्रदेश की अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं तो भाजपा को इस पर रोटी सेकने का कोई ज़रूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी तो डिवाइन एंड रूल की सियासत करती है उसका उसको लाभ भी मिलता है इस बार लाभ नहीं मिल पाएगा 2024 हज़ार चौबीस में इत है और अभी जो रिजल्ट तीन तारीख को आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का सवाल जवाब देने का नहीं है सवाल ये है कि एक काम हुआ एक नोटिस गई वो नोटिस वापस होना चाहिए आपके सहयोगी दल भाकपा माले है उसके विधायक संदीप सौरभ है कह रहे हैं कि विधायिका पर कार्यपालिका हावी होते जा रहा है संदीप सौरभ के बयान का के ऊपर मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा हमारी एक अलग पार्टी और अलग पहचान है आपके सहयोगी हैं तो हमारे सहयोगी तो चारों चारों एक दूसरे के सहयोगी हैं चारों एक और अपनी अपनी विभिन्न सोच भी हो सकती है पर्टिकुलर इशू पे जो पर्टिकुलर बात है वो कांग्रेस पार्टी ने हमने आपके सामने रख दी है और क्या है नहीं है उस पर बहुत ज़्यादा हमको टीका टिप्पणी करना नहीं है हम अलायंस में हैं तो अलायंस में जब होते हैं तो चीज़ों को उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और देखना चाहिए आप हैं कि पाठक सीमा को पार कर रहे हैं जेडीयू के एम हैं खाली दनवरों करें कि के के पाठक वही कर रहे हैं जो सरकार चाहती है जो नीतीश कुमार चाहते हैं कांग्रेस पार्टी ने आपके माध्यम से अपनी बात रख दी कि छुट्टियों का यह जो फरमान है यह फरमान ठीक नहीं है इसको वापस ले लें तो बेहतर होगा ये हमारी पार्टी की पोजिशन है यह आपको सामने बता दिए अब कौन क्या कह रहा है पार्टनर्स कौन क्या कह रहे हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है हमारा सिंपल है कि जो आपने छुट्टियों पर ये लगाया है रोक उसको वापस कर लीजिए। गोपाल रविदास हैं भागपे मालिक के ही विधायक वो कह रहे हैं कि नीतीश जी जब भाजपा के साथ थे उसी प्रकार से सरकार चला रहे हैं हम लोग के साथ आने के बाद नीतीश जी को अभी समझना चाहिए को महागठबंधन के साथ है वो क्रूर शासन नहीं चलेगा मैंने आपको कहा ना कि दूसरी पार्टी के लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं मैं उसमें पढ़ता नहीं और मैं ऐसा रिएक्शन देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ हमारी पार्टी है संजीदगी से हमको आगे बढ़ना है इंडिया गठबंधन है 2024 में दिल्ली से इसको हटाना है जो तंत्र विद्या चला रहे हैं पूरे देश में जिससे नुकसान हो रहा है देशवासियों का किसने किसके ऊपर कौन सी टिप्पणी की मुख्यमंत्री के ऊपर या उप मुख्यमंत्री पे करें या किसी पर्टिकुलर में उस चक्कर में कांग्रेस पार्टी संजीदगी संजीदा पार्टी है वो इस तरह से करती है करना होगा जब समय आएगा और अगर ऐसा कुछ महसूस तो कहा जाएगा अभी ऐसा कोई है नहीं अभी तो इस इशू पे जो कांग्रेस का बयान है वो आपने समझ रख दिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान आया है कि बिहार में अवैध मदरसे हैं नीतीश जी उसको बंद कीजिए आप सीमांचल से आते हैं और कह रहे हैं कि सीमांचल की स्थिति को देख हमको लग रहा है कि ना धन बचेगा ना धर्म तो हंसी आती है उनके ऊपर अब कोई आदमी ये तो मदरसा में पठन पाठन होता है जैसे गुरुकुल में होता है जैसे पाठशाला में होता है स्कूल्स में होता है मदरसा लफ्ज का भी मतलब यही है कि जहाँ टीचर होते हैं एक बिल्डिंग होती है टीचर होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाई जाती है हिंदी अंग्रेजी साइंस और रिलीजियस स्टडी में भी जो है वो पढ़ाई जाती है उसमें कहाँ कोई दिक्कत है तो वो अपने मन से यह नहीं बोलेंगे गिरिराज जी तो गिरिराज जी को क्या पहचानेगा वो ऐसा तो नहीं बोले कि नहीं इन्वायरमेंट ठीक होना चाहिए और उसमें बेहतर से बेहतर हवा आनी चाहिए ऑक्सीजन ज़्यादा इस सब का ज्ञान है क्या वो ज्ञान की बात तो करेंगे नहीं जिससे इंसान को इंसानियत को फ़ायदा हो लाभ हो तो चाहे कि झगड़ा झंझट परेशानी हो तो एक अच्छे खासे लंबे चौड़े शरीर वाले आदमी हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि दिमाग भी उतना ही बड़ा हो तो छोटे दिमाग के लोग क्या बोलेंगे सिंह छोटे दिमाग के हैं इसमें कोई शक नहीं है हम ऑलवेज कहते हैं स्मॉल माइंड बिग पर्सनालिटी ऊपर से लेके थे फिजिकली बिग माइंड स्मॉल